किसान भाइयों, मैं पहुंच गया खेत में। ये देखिए, फागण का गन्ना तैयार हो गया। इसमें सब्जी बोया था, वो तो खराब हो गया था गन्ना, फिर दोबारा बोना पड़ा हमें। सरसों कटने के बाद में पावर नहीं दिखाई दिया, उसमें लेबर मिल नहीं रही थी। हमने फिर जोत के दोबारा बोने में ही भलाई समझी। भाइयों, इसमें घास हो गई थी बहुत, खुरपी निकलवाई, फिर हमने जोटा खरीदा, उससे कंट्रीमीटर चलाया। आप देखिए, ये भाई ये 42 इंच पे है। अब तो हो जाएगा गन्ना। देखिए बहुत सुंदर खड़ा है। अब तो पुनीत बबलू ने कमा दिया है, छोटे हाथ दो बार कंट्रीब्यूटर निकाला इसमें। जगह जगह घास है, वहाँ से फावड़े से खुदाई कर दी जाएगी। अब मैं चलता हूँ रूबैल की तरफ। भाई, ये खुदाई के बाद खाद डाल के किसान ने पानी दे दिया इसमें। ये हमारा पैटर विधि का बोया हुआ गन्ना था। अब पिड्डी है भाइयों, दो खुट बुरे एक छुटरा, दो बुरे एक छुटरा। ये देखिए भाइयों गन्ना, ये धोरे का खोड़ कितना चकड़ा, इतनी बरसी पिड्डी का। ये बालकों ने कल जोती पिड्डी रख लेते थे, बहुत तगड़ी होती इसमें। पर चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया काम। ये बैलिस पे बहुत ही दोबारा पौधा। ये किनारे पे बाजरा खड़ा हुआ है, वो है फूटने वाला। ये भाई, ये फावड़े से खोद के बोई थी, आपको ध्यान हो बारिश पड़ी थी उस टाइम पे मार्च में। ये फावड़े शुद्ध खुड़ खोदते थे, बहुत अच्छी खड़ी है, जम रही है इसमें। ये हमारी 60 इंच की पिड्डी है। ये भाई, इतनी बरसी पिड्डी है आपके। अब मैं ट्यूबवेल की तरफ जा रहा हूँ। पुनीत बबलू भी आए हुए हैं, मोटरसाइकिल खड़ी सामने ट्यूबवेल पे। भाई, ये इतनी तसला विधि हमारी। देखो पेटी कितनी शानदार खड़ी है। आपको हमने दोबारा नहीं बोई है, क्योंकि किसान को वो काम करना चाहिए जिसमें मेहनत कम पड़ती हो और लागत कम आती हो। भाइयों, मेहनत तो कम 42 इंच में पड़ती है सबसे कम। ये पिड्डी हमारी 42 इंच पे, देखो खूड़ अट गया आपस में, पत्तों का घर्षण होने लगा। ये बोलते ना 24 इंच पे, 28-30 इंच पे, वो तो बहुत घिनकी हो जा भाइयों। भाइयों, हमारा गांव पबरसा है, दुराले के पास में। मेरा भाइयों से निवेदन है कि अगली बार बीज बचाओ, 42 इंच पे बहुत पैदावार बढ़ाओ। भाइयों, 42 इंच पे सबसे अच्छी पैदावार हो रही है। और सादे लेजर से, नया लेजर मत खरीदो, जो आपके पास है ना ओल्ड वाला सादा, उसी से बोओ। ये हम उसी से बोई थी, देखो ज़्यादा लागू में फायदा नहीं बोने में, खुरपी की लेबर नहीं मिलती, दिक्कत होती है। ये पैटर भी थी, फेल कर दी हमने, और 60 इंच की फेल कर दी छोटे ट्रैक्टर का। एक तो 8-7 लाख रुपए खर्च करो, दूसरा दोनों साइड में 10-10 फुट जमीन खाली छोड़नी पड़ती है। सबसे बढ़िया है 42 इंच वाला वो ले लो, वो रोटावेटर साधन जितने करने का हमारा आएगा। छाता लग गई तो बात हो रही कंपनी में, बना रही कंपनी 42 इंच का। हमारी साइड भी बनाया जा रहा है, क्यों 42 इंच पे कोई गन्ना तो बोता नहीं, उसमें 2 फुट जाया करेंगे ट्रैक्टर से, ये अगला खेत जीत जाएगा। क्यों अब हमें वो गन्ना नहीं बोना,
28 30 वाला या 36 वाला, सीधा 42 में से कम तो रखना ही, ना ज़्यादा करना। 42 इंच पे एक इस खुड में हो जाएगा ट्रैक्टर, एक इस खुड में पहिया, दो दो वो आपका रूटर वाला, तो तीन वाला भी आ रहा, दो वाला आ रहा। दो वाला तो वो है जो बीच का खुड छोड़ दे, हमारा दोनों को एक दूर से जोत कर चलेगा, क्योंकि 42 इंच पे कम से कम 4-4 इंच जगह बचेगी इसमें। पोवाना कटा वो इसे मिजान से बना के देंगे भाइयों। भाइयों फार्म ट्रैक 30 जा रहा है, डीजल का है तो ड्राम। भाइयों पंडित जी ने पैटर विधि से बोया गन्ना, टिंकू पंडित ने, भाइयों अंकित बहुत मेहनत करता है, ये 30 इंच बोरखा गन्ना खुदाई कर दी, बहुत बढ़िया। मैं गांव में आ गया हूँ भाइयों, किसान भाइयों फसल को मोड़का सा लगा कर पानी देना चाहिए, ये देखिए इसे खोदने के 8 दिन बाद पानी दिया भाई ने, ये एकदम रंग आ गए, एक फागण का करना है। इसे खूब मोटका लगा कर पानी देंगे जब भी रंग साफ हो गए, एक पे जल्दबाजी में पानी भी देना चाहिए किसान को, खूब मोटका सा लगा कर पानी देना चाहिए, जब भी एक जोर लगाती है फसल। इसकी घास खत्म हो गई अब जहाँ भाइयों, 8 दिन पहले बहुत घास थी इसमें, ये दोबारा बोना पड़ा था घास की वजह हमें, अब बिल्कुल खेत बढ़िया हो गया, 42 इंच का बोया हुआ है। भाइयों ये कैसा लगा आपको ये? भाई देखिए जुवार का बोझ जा रहा है मोटरसाइकिल पे, पुनीत बबलू भी मेरे साथ हैं खेत में, पुनीत चारा काट रहा है बाजरा, बबलू वो जा रहा परे। भाइयों 9:30 बज गए, दोपहर की धूप हो रही बड़ी कैडी। भाइयों गेट पाल के इतना फायदा, देखो आधा पानी का रखा इसमें, आधे से भी कम है पानी, ना ना कम होना ना ही टड़ा नहीं, तो फिर तुम कभी चले जाओ हम अपने आप चलता रहे पानी, अंदाजा उसी हिसाब से भर जाके। ये भाइयों 60 इंच का गन्ना हमारा हिंग आ गया, 42 इंच पड़ा, अभी मैं खोट दिखाता हूँ, बिल्कुल मिल रहे आपस में, 60 की ज्यादा चौड़ाई हो जा, ये देखो 42 इंच का भी मिल रहा आपस में, 42 इंच ठीक लगा मुझे, बीज भी ज़्यादा नहीं लगता और पैदावार भी 100 प्लस भी हमारे इसमें, ये सौदा मैसी खड़ा हमारा, इस पर ओरिजिनल रंग है। इस पर गोबर लेकर आए थे वो कूड़ी पे तार दिया, भाई ये धूप बहुत तकड़ी पड़ रही है, चलो उसे दिखाता हूँ मैं आपको जो स्प्रे किया था उस पर क्या रंग है भैया। भाई ये देखिए घास की हालत, अभी क्या खुर चमक गई, घास पक गई, खेत पूरा पेड़ा पड़ गया, ये वैसा कब भी नहीं आती भाइयों। भाइयों हमने वो तय कर दिया
जो ट्रैक्टर पीछे चलता है ना रोटावेटर, वो गन्ने जुताई करने का 3 फुट वाला, हमारा 2 फुट वाला 42 इंच की चौड़ाई का बनवाया है स्पेशल। देखो कहा कह रहे हैं 1 हफ्ते में आ जाएगा, क्योंकि झोटे कंटीमीटर से भी वो घास 3-3 बार करने के बाद भी नहीं झट जाए, उखड़ती वो बिल्कुल भक्षण कर देगा। वो 1 हफ्ते में आ गया तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसकी बना के। बबलू जा रहा है बाल खोलने के लिए इधर। देखो यहाँ को तो बिल्कुल ही घास सूख गई, एक एक चमक रही है, ऐसी सूख जाएगी सारी लाल लाल। भाइयों देखिए इसमें फेंक खुरपी निकाली जा रही है जहाँ जहाँ घास थी। ये थोड़ा सीधा रह गया लेकिन जमाव बहुत है इसमें, हो जाएगा पूरा। ये तसला भी दी था हमारा, अच्छा गन्ना है लेकिन हमने आपका नहीं बोया, मैं बीमार था इसलिए नहीं बो पाए, मैं ही करता मैं ही रह गया। बस 42 इंच फाइनल कर दिया हमने। भाइयों ये मैसी हमारा 2001 मॉडल है, अभी रंग चलने लायक है, टायर भी सही है इसके, इसे बेचना नहीं है। 1-2 साल बाद में जब ये टायर मांगेगा, जब इसे पूरा मॉडिफाई कराऊंगे, सिकंदर के यहाँ मुजफ्फरनगर, चारों टायर 90 पूरे पेंट, जब इसे दुल्हन की तरह सजाऊंगे ट्रैक्टर को। हाँ अभी तो टायर चल रहे तो 1 साल चल जाएंगे। कोई कबाड़ी इसके मुश्किल से चारों टायरों के 5,000 रुपए देगा और क्या, और कम से कम टायर है अभी कम से कम इसके 15,000 की कीमत के। 2-3 साल बाद में इसका नंबर आ जाएगा। ट्रैक्टर बहुत बढ़िया रहेगा, साफ है, इंजन इंजन बढ़िया है इसका, जो थोड़ी बहुत कमी होगी साथ के साथ निकलवा देंगे इसकी हम। अभी तो इंजन